Bismillahir Rahmanir Rahim, dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khaled Mahmud from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 14.6 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of problem number 14.6. टू रजिस्टेंसेज ऑफ सिक्स किलो ओम एंड टलो ओम आर कोनेक्टेड इन पैरल दो रजिस्टें एक छ किलो ओम कीम की है और उनको हमने पैरल जोड़ दिया है A six volt battery is connected across its ends और उनके एंड पे हमने सिक्स वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है फाइंड द फॉलोइंग क्वान्टिटीज हमने ये मालूम करना है ए इक्विल रजिस्टेंस ऑफ द पैरालल कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन जो है उसकी इक्विल रजिस्टेंस मालूम करनी है बी करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टेंस हर रजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है और सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस हर रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है सॉल्व करते हैं इसको रजिस्टेंस वन जो है उसको हम आर वन रख लेते हैं ये सिक्स किलो ओम में रजिस्टेंस टू को हम आर टू रख लेते हैं यह बारह किलो ओम में पोटेंशियल डिफरेंस को वी रखते हैं यह सिक्स वोल्ट है हमने ए पे हमने मालूम करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको आर ई e रखते हैं ये हमने मालूम करनी है करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वन इसको हम आई वन रख लेते हैं ये हमने मालूम करना है करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर टू इसको आई टू रख लेते हैं ये हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टेंस वी ये हमें मालूम करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व कर देते हैं रजिस्टेंस आर ई मालूम करनी है हमने फॉर पैरालल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस वी नो दैट कि अगर कॉम्बिनेशन जो है वो पैरालल हो तो इक्वलेंट रजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वन ओवर आर ई इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू अगर दो रजिस्टेंसेज हों तो अगर तीसरी हो तो फिर प्लस वन ओवर आर थ्री भी आएगा तो हमारे पास क्योंकि दो ही रजिस्टेंस हैं इसलिए वन ओवर आर ई इज इक्ल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू होगा तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं आर वन की वैल्यू है सिक्स किलो ओम और आर टू की वैल्यू है ट्वेल्व किलो ओम तो इसका एल्सीयम ले लेते ले ले हैं तो ट्वेल्व किलो ओम एल्सीयम आ जाएगा सिक्स किलो ओम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टू आएगा टू वन जार टू आ जाएगा इधर प्लस ट्वेल्व किलो ओम से डिवाइड करेंगे इसको एल्सीयम को तो हमारे पास वन आएगा वन इंटू वन वन आ जाएगा तो ये टू प्लस वन थ्री आ जाएगा थ्री और ट्वेल्व किलो ओम आ गया तो थ्री से इस ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे तो ये वन ओवर फोर बन जाएगा किलो ओम और यहाँ पे क्योंकि वन वन के बराबर है तो आर ई जो है वो ज़ाहर है फोर किलो ओम के बराबर होगा तो इसलिए आर ई बराबर फोर किलो ओम आ गया हमारे पास तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर ली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ फोर किलो ओम अब हम करंट मालूम करते हैं कि दोनों रजिस्टेंस करंट कैसा गुजर रहा है करंट पासिंग थ्रू रजिस्टेंस आर वन इसको हमने आई वन रखा ये हमने मालूम करना है तो ओम जिला अप्लाई कर देते हैं ओम जिला ये कहता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो यहाँ पे हमारे पास वी इज इक्वल टू आई वन आर वन लगाएंगे हमने क्योंकि रजिस्टेंस हमने आर वन ली है और करंट हमने आई वन लिया है तो वी इज इक्वल टू आई वन आर वन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम हमने मालूम करना आई वन तो I1 को एक तरफ रखेंगे R1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये V के नीचे चला जाएगा V को डिवाइड करेगा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं V जो है बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है वही वो वोल्टेज मिलनी है दोनों रजिस्टेंसेज को तो R1 कितनी है 6 किलो ओम है तो इसलिए हमारे पास ये 6 वोल्ट ओवर 6 किलो ओम आ जाएगा तो किलो क्या होता है वन होता है तो ये सिक्स इंटू ओम बन जाएगा तो सिक्स सिक्स के साथ कट जाएगा ऊपर वन रह जाएगा नीचे सिर्फ थाउजेंड रह जाएगा तो वोल्ट ओवर ओम जो है ये एम्पेयर होता है तो वन ओवर वन थाउजेंड एम्पेयर आ जाएगा वन थाउजेंड जो है टेन की पावर थ्री होती है और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगी तो वन इंटू टेन पावर माइनस थ्री आ जाएगा टेन की पावर माइनस थ्री क्या होता है मिली होता है तो इसलिए वन मिली एम्पियर बन जाएगा ये तो I1 वन इज इक्वल टू वन मिली एम्पियर यानी जो रेजिस्टेंस R1 थी जो कि सिक्स किलो ओम की थी उसमें से जो करंट गुजरना है वो वन मिली एम्पियर गुजरना है दस द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 वन इज़ वन मिली एम्पियर दूसरी रेजिस्टेंस में से मालूम करते हैं कितना करंट गुजरेगा करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर टू इज ईकल टू आई टू हमने इसको रखा है ये मालूम करना है हमने तो वही ओम चला अप्लाई होगा वी इज ईक्ल टू आई आर तो यहाँ पे वी इज ईक्ल टू आई टू आर टू आ जाएगा क्योंकि हमने करंट को आई टू रखा हुआ है और रेजिस्टेंस जो है वो आर टू है तो हमने क्योंकि आई टू मालूम करना है आर टू को दूसरी तरफ ले जाएंगे वी को जाके डिवाइड कर देगा आर टू वी सिक्स वोल्ट है जो कि बैटरी की वोल्टेज है वही वो वोल्टेज आर टू को मिलनी है और आर टू कितना है ट्वेल्व किलो ओम है तो किलो क्या होता है वन थाउजेंड होता है ये ट्वेल्व टू वन थाउजेंड ओम बन जाएंगे तो ये सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड कर देती हैं तो ये पॉइंट फाइव आ जाएगा तो पॉइंट फाइव वोल्ट ओवर वन थाउजेंड ओम आ जाएंगे तो वोल्ट ओवर ओम क्या होता है एम्पेयर होता है ज़ीरो पॉइंट फाइव ओर वन थाउजेंड एम्पेयर आ जाएगा तो ये वन थाउजेंड जो है टेन की पावर थ्री होता है ऊपर जाके टेन की पावर माइनस थ्री हो जाएगा तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री एम्पेयर आ जाएंगे हमारे पास टेन की पावर माइनस थ्री क्या होता है ये मिली होता है तो इसलिए 0.5 पॉइंट मिली एमपियर हो गया तो I2 टू इज इक्ल टू जीरो पॉइंट मिली एमपियर यानी इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस R2 जो थी जो कि 12 किलो ओम की थी उसमें से पॉइंट मिली एमपियर करंट पास होना है दस द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 टू इज टू मिली एमपियर इज पॉइंट मिली एमपियर इसको ठीक कर लेते हैं दस द करंट पासिंग थ्रू रजिस्टेंस आर टू इज पॉइंट फाइव मिली एम तो ये हमने दोनों रजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम कर लिया अब आखिरी क्वेश्चन रह गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टेंस वो कितना होना है फॉर अ पैरालल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टेंस इज इक्वल हर रजिस्टेंस जो है उसमें उसके अक्रॉस जो है सेम वोल्टेज होता है और क्योंकि हमने बैटरी छ वोल्ट की अटैच की हुई है इसलिए आर वन केक्रॉस भी छः वोल्ट होगा और आर टू के करॉस भी छ वोल्ट होगा तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू वी वन कितना होगा वो वी के बराबर होगा और वो कितना था सिक्स वोल्ट तो इसलिए आर वन केक्रॉस वोल्टेज छः वोल्ट होगी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर टू उसको वी टू रखते हैं तो ये भी कितना होना है ये भी बैटरी की वोल्टेज के बराबर होना है यानी वी के बराबर होना और वो कितना था सिक्स वोल्ट तो इसलिए दस द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सिक्स वोल्ट तो हर वोल्ट हर जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज जो है वो सिक्स वोल्ट ही होगा क्योंकि बैटरी जो है दोनों के एंड पे अटैच हुई है और दोनों को सेम पोटेंशियल मिलना है तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ शाद रहें आबाद रहें